प्रीवियस क्लास में अपन पढ़ रहे थे कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले अपन ने देखा लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसके दो पार्ट पेरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकेंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट दूसरा मैंने देखा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें रेगुलर और रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट देखा अपने टेंडन एंड लिगामेंट्स। सेकंड देखा अपने इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड अपन देखेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट में फर्स्ट है स्केलेटल टिश्यू या स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जिसके दो पार्ट पढ़ेंगे अपन कार्टिलेज एंड बोन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कार्टिलेज। कार्टिलेज दे आर सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर या सेमी सॉलिड एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। हैव मैट्रिक्स एंड फाइबर्स, मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्ड्रीन प्रोटीन, मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्ड्रीन प्रोटीन एंड इट इज नॉन वेस्कुलर, यानी ब्लड सर्कुलेशन इज एब्सेंट। अगर कार्टिलेज की अपन बात करें तो देखें ईच कार्टिलेज इज कवर्ड बाय ए कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दिस कवरिंग इज कॉल्ड पेरिकोंड्रियम, दिस कवरिंग इज कॉल्ड पेरिकोंड्रियम एंड मैट्रिक्स। हैव सम कोंड्रियोब्लास्ट एंड मैट्रिक्स हैव सम स्पेस
called lacuna, and each lacuna have two, three, or four cells. So these cells are chondroblast. These cells are chondrocytes and lacuna and matrix. तो यहां पर अपन देखते हैं द कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स कॉन्ड्रोब्लास्ट. Mature cells chondrocytes or chondriocytes. Cartilage destroying cells कॉन्ड्रोक्लास्ट, यानी कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स, मैच्योर सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स कॉन्ड्रोप्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स, और बोन को डिस्ट्रॉय करने वाले सेल्स क्या हो गए? कॉन्ड्रोक्लास्ट. ठीक है, तो अभी अपन ने देखा दे आर सेमी सॉलिड एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड फाइबर. मैट्रिक्स इज कंसिस्ट विद कॉन्ड्रिन प्रोटीन. They are non-vascular, cartilage forming cells, chondroblast, mature cell, chondrocytes, and the cartilage destroying cells are called chondroclasts. Next. Each cartilage have a covering of fibrous connective tissue called perichondrium. Perichondrium and matrix have lacuna which are irregularly scattered, irregular scattered, अनियमित रूप से फैले हुए, and each lacuna have one to four cells. These cells are called chondrocytes. कॉन्ड्रोसाइट्स. तो देखिए कार्टिलेज की कवरिंग पेरिकोंड्रियम, उसका मैट्रिक्स कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बना है जिसमें अनियमित रूप से बिखरी हुई लेक्युना और प्रत्येक लेक्युना में एक से चार तक सेल हैं जिनको अपन क्या कहेंगे? कॉन्ड्रोसाइट्स. कॉन्ड्रोसाइट सीक्रेट्स मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स बनाते हैं.
on the basis of structure of matrix or composition of matrix, cartilages are mainly of four types. यानी इनके मैट्रिक्स के कंपोजिशन या मैट्रिक्स की स्ट्रक्चर के बेस पर कार्टिलेज कितने टाइप के हैं? चार प्रकार के कार्टिलेज हैं. पहले बात करते हैं अपन. नाउ फर्स्ट हायलिन कार्टिलेज. हायलिन कार्टिलेज matrix is transparent. Without fibers, few collagen fibers may be present. Next है our embryonic skeleton is mainly made up of देखे embryonic life में embryonic development के समय हमारा skeleton है वो mainly किससे बना हुआ है? Hyaline cartilage से बना हुआ है. इसके अलावा the hyaline cartilage are also present on आर्टिकुलर सरफेस ऑफ लॉन्ग बोन. यानी जो लॉन्ग बोन है लंबी अस्थियां हैं उनके टिप के ऊपर. नेक्स्ट सेप्टा ऑफ नोज एंड larynx and cartilaginous rings of trachea. तो hyaline cartilage matrix is transparent without fibers. But some collagen fibers may be present. Embryonic development के समय हमारा skeleton है वो mainly किससे बना होता है? Hyaline cartilage से बना हुआ है. इसके अलावा they are present on tip of bones और articular surface of bones, septa of nose, larynx and cartilaginous rings of trachea, which provide support to them and make them non-collapsible. यानी ट्रेकिया के ऊपर जो cartilaginous rings हैं जो उन्हें पिचकने से बचाते हैं, non-collapsible बनाते हैं, वो भी किसका example है? Hyaline cartilage के example है. तो ये था hyaline cartilage. नेक्स्ट है फाइब्रस फाइब्रस कार्टिलेज. कोलेजन फाइबर्स आर abundantly present. Collagen fibers are abundantly present.
so they becomes hard. The perichondrium is absent and these cartilages connects the bones. इनमें कोलेजन फाइबर्स मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए ये हार्ड होती हैं. इनके चारों ओर पेरिकोंड्रियम कवरिंग एब्सेंट है और ये बोन्स को जोड़ने का कार्य करती हैं. एग्जाम्पल अपन देखते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड इंटर वर्टिब्रल डिस्क, दे आर एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज, प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड इंटर वर्टिब्रल डिस्क, फाइब्रस कार्टिलेज. नेक्स्ट, इलास्टिक कार्टिलेज. इलास्टिन फाइबर्स आर अबंडेंटली प्रेजेंट इन मैट्रिक्स एंड दे आर फ्लेक्सिबल. दे आर मेनली प्रेजेंट ऑफ एग्जाम्पल्स अगर देखें तो देखें टिप ऑफ नोज, स्केलेटन ऑफ ईयर पिन्ना, एपिग्लोटिस एंड यूस्टेकियन ट्यूब. दे आर एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज. दे आर वेरी फ्लेक्सीबल ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ इलास्टिन फाइबर्स. दे आर प्रेजेंट इन टिप ऑफ नोज, स्केलेटन ऑफ ईयर पिन्ना, एपिग्लोटिस एंड यूस्टेकियन ट्यूबुल. दे आर एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक कार्टिलेजेस. नेक्स्ट है कैल्सिफाइड कार्टिलेज. दे आर एज सिमिलर एज हायलिन कार्टिलेज. They are as similar as hyaline cartilage, but due to deposition of inorganic salts, they becomes hard as like bones. यानी यह हाइलिन कार्टिलेज समान ही है, लेकिन मैट्रिक्स में इनऑर्गेनिक साल्ट के डिपोजिट होने के कारण से ये बोन के समान क्या होती है, हार्ड हो जाती है. अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें,
supra scapula of pectoral girdle of frog and pubis of pelvic girdle of frog, है ना, pelvis और supra scapula, they are the example of calcified cartilage. तो यहां पर अपन देखा cartilages non vascular और मेनली कितने टाइप के हैं, चार प्रकार के हैं, हायलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और कैल्सिफाइड. कैल्सिफाइड के एग्जांपल कौन से हो गए, सुप्रा स्कैपुला ऑफ पेक्टोरल गर्डल एंड प्यूबिस ऑफ पेल्विक गर्डल ऑफ फ्रॉग, दे आर एग्जांपल ऑफ कैल्सिफाइड कार्टिलेजेस. बोन्स, एस्टियोलॉजी, फॉर्मेशन, ऑसिफिकेशन, बोन फॉर्मिंग सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, बोन मैच्योर सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट. देखिए बोन की स्टडी ऑस्टियोलॉजी, बोन फॉर्मेशन ऑसिफिकेशन, बोन फॉर्मिंग सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट, मैच्योर सेल्स ऑस्टियोसाइट्स, डिस्ट्रॉइंग सेल्स ऑस्टियोक्लास्ट. नेक्स्ट, ए लार्ज बोन हैव थ्री पार्ट्स, यहां पर आर्टिकुलर सरफेस पर कौन सी कार्टिलेज, हायलिन कार्टिलेज, यहां पर हायलिन कार्टिलेज. दिस पार्ट ऑफ बोन इज कॉल्ड एपिफाइसिस, दिस मिडल रीजन इज कॉल्ड डाइफाइसिस, एंड ऑन द जंक्शन ऑफ एपिफाइसिस एंड डाइफाइसिस दिस रीजन इज कॉल्ड मेटाफाइसिस. तो एक बोन के तीन पार्ट हो गए, कौन कौन से पार्ट, एपिफाइसिस, एपिफाइसिस ऑन द टिप ऑफ बोन, बोन के टिप के ऊपर. इट इज कंसिस्ट विद स्पंजी बोन, ये स्पंजी बोन से बना है. और यहां पर जो कैविटीज हैं, दीज कैविटीज आर कॉल्ड
trabeculi, and trabeculi are filled with red bone marrow, and red bone marrow is hemopoietic, yani it form RBC, WBC and platelets. Iska matlab we can say that all the spongy bones are hemopoietic in nature. Sare ke sare spongy bone wo kya hoti hain, hemopoietic nature ki hoti hain, jinme kya bana rehta hai, red bone marrow. और रेड बोन मेरो क्या बना रहा है, सारे के सारे ब्लड सेल्स बना रहे हैं. ये तो कौन सा पार्ट आ गया, एपिफाइसिस. बात करते हैं मेटाफाइसिस. मेटाफाइसिस ऑन द जंक्शन ऑफ एपिफाइसिस and diaphysis. In young bones have epiphyseal plates of osteoblasts. जो यंग बोन है उनमें यहाँ पे क्या होगा, एपिफाइजल प्लेट. और एपिफाइजल प्लेट में क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट. द एपिफाइजल प्लेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ बोन, बोन की ग्रोथ के लिए. लेकिन आफ्टर मैच्योरेशन द एपिफाइजल प्लेट इज डिस्ट्रॉयड, यानी एक मैच्योर बोन के अंदर ये मेटाफाइसिस के अंदर जो एपिफाइजल प्लेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. यानी एक मैच्योर बोन के दो ही पार्ट होंगे, एपिफाइसिस और डाइफाइसिस. लेकिन एक इमेच्योर बोन के तीन पार्ट होंगे, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस और डाइफाइसिस. ठीक है, अब हम बात करते हैं डाइफाइसिस. Diaphysis, the soft of bone, it consists with compact bone. It consists with compact bone. Compact bone se bana hua hai and have cavity. मैरो कैविटी एंड मैरो कैविटी इज फिल्ड विद रेड बोन मैरो एंड इट इज एडिपोज टिश्यू. अब देखिए मैमेलियन लार्ज बोन के अगर अपन डाइफाइसिस की स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, इस बोन इज कवर्ड बाय ए कवरिंग ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड पेरिओस्टियम. नेक्स्ट द लार्ज मेमेलियन बोन ऑल्सो हैव ए सेंट्रल कवरिंग सेंट्रल कैविटी. द कैविटी इज कॉल्ड मैरो कैविटी
and marrow cavity is surrounded by or covered by endosteum, the periosteum or endosteum. Osteoblasts. लेकिन बोन में देखिए क्या होगा, ये होते हैं वेस्कुलर. तो यहां पर देखें मैट्रिक्स, और तो यहां पर देखें मैट्रिक्स और लेकुना कंसेंट्रिंग रिंग्स के रूप में है, जिन्हें बोलते हैं लेमिला. लेमिला और ईच लेकुना हैव सिंगल सेल ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोब्लास्ट एंड दे हैव साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैनालिकुली. तो यहां पर देखेंगे आप कि मैट्रिक्स और लेकुना कंसेंट्रिंग रिंग्स के रूप में है, लेमिला बना रहे हैं. एंड ईच लेकुना हैव सिंगल ऑस्टियोसाइट विच हैव साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, दे आर कॉल्ड कैनालिकुली. द लार्ज मेमेलियल बोन्स हैव लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स विच आर कॉल्ड हेवर्सन कैनाल. हेवर्सन कैनाल में नर्व फाइबर्स ब्लड वेसल्स भी हैं, इसीलिए क्या कहा, बोन्स आर वेस्कुलर. अब हेवर्सन कैनाल के चारों ओर में देखें लेमिला अरेंज है, जिनमें लेकुना और मैट्रिक्स सेम वो स्ट्रक्चर है. तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर बन रही है इसको बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेवर्सन सिस्टम. And the Hevesian canals are connected to each other by transverse canals. They are called Wachmann canal. Wachmann canal. तो यहां पर देखो, आपने देखा the covering of bones, periosteum, the matrix and lacuna आर अरेंज इन कंसेंट्रिंग रिंग्स कॉल्ड लेमिला. ईच लेकुना हैव सिंगल ऑस्टियोसाइट विच हैव साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैनालिकुली. द लार्ज हेवर्सन लार्ज मेमेलियन बोन्स हैव लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स, दे आर कॉल्ड हेवर्सन कैनाल्स. एंड हेवर्सन कैनाल्स हैव ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स. It means bones are vascularized, vascular. It means blood circulation is present.
The Haversian canal are connected to each other by transverse canal. These transverse canals are called Wachmann canal. And the large mammalian bone have a central cavity called marrow cavity. Marrow cavity is filled with a adipose tissue which is called yellow bone marrow, and marrow cavity is covered by a covering called endosteum, outer covering periosteum or inner covering endosteum. तो बोन की स्ट्रक्चर के बेस पे देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर बोन्स आर ऑफ टू टाइप्स. कौन कौन सी? स्पंजी बोन्स एंड कॉम्पैक्ट बोन्स. लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन बोन्स आर ऑफ मेनली थ्री टाइप्स. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन basis of origin. First है cartilaginous bones. They are also called replacing bones. They are formed by replacement of cartilage. Replacement of cartilage. देखे during embryonic development our skeleton is mainly consist with cartilages. कौन सी cartilage? Hyaline cartilage. उसके बाद क्या होगा? In these cartilages the osteoblast and chondroclast cells are developed. तो कॉन्ड्रियोक्लास्ट तो क्या करेंगे? कार्टिलेज जो मटेरियल है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, और ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेंगे? वो बोन फॉर्मिंग एलिमेंट्स को रिलीज करेंगे. तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो कार्टिलेज का बना एंडोस्केलेटन है वही बोन, वही कार्टिलेजेस रिप्लेस हो जाती है किससे? बोन से. तो इनको बोलते हैं रिप्लेसमेंट बोन या रिप्लेसिंग बोन या कार्टिलेजनस बोन्स. सच एज बोन्स ऑफ अवर लिम्स एंड वर्टिब्रल कॉलम, ऑल दे आर कार्टिलेजनस बोन्स. हमारे लिम्स की बोन, वर्टिब्रल कॉलम, ये सारे के सारे क्या हैं? कार्टिलेजनस बोन्स हैं. दूसरा है हमारी गर्डल भी हैं, केवल क्लेविकल को छोड़कर, स्केपुला और क्लेविकल. दूसरे मेम्ब्रेनस बोन्स, मेम्ब्रेनस बोन्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड डर्मल बोन. दे आर ओरिजिनेटेड और दे आर डेवलप फ्रॉम डर्मिस ऑफ स्किन. हमारी डर्मिस के कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं द फाइब्रोब्लास्ट आर मॉडिफाइड इनटू ऑस्टियोब्लास्ट. यानी स्किन के डर्मिस के जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं वे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स मॉडिफाइड हो जाते हैं किसमें? ऑस्टियोब्लास्ट में. दे आर बोन फॉर्मिंग सेल्स, और ये क्या करेंगे? उस बोन को डेवलप कर देते हैं किसके अंदर? सॉरी, हमारी डर्मिस को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? बोन के अंदर. तो इनको कहेंगे मेम्ब्रेनस बोन्स या डर्मल बोन्स. सच एज क्लेविकल एंड अदर फ्लैट बोन्स ऑफ अवर बॉडी सच एज बोन्स ऑफ स्कल, दे आर मेम्ब्रेनस बोन्स. थर्ड देखते हैं अपन सेसमोइड बोन्स. दे आर फाउंड बाई ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडॉन्स सच एज पटेला. ये क्या होते हैं? जो मसल्स को बोन से जोड़ने वाली स्ट्रक्चर, फाइबर्स, टेंडॉन्स, टेंडॉन्स के ओसिफिकेशन से बनते हैं, जैसे नी बोन या पटेला बोन. तो देखे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर
bones are of two types, spongy bones and compact bones. Spongy bones have red bone marrow and they are hemopoietic in nature, and compact bone have yellow bone marrow which is stored fat or adipose tissue. Some bone are diploic bone, such as the bones of our skull. हमारी skull की bone में क्या हो गए हैं? इनके जो dorsal और ventral surface पे क्या है? Compact part है, और अंदर का middle region वो क्या है? Spongy bone से बनाता है. तो इनको बोलते हैं diploic bone. Diploic bone. तो diploic bone में क्या होगा? इनकी surface तो होंगी compact bone, और internal part क्या होगा? Spongy bone से बना होगा. जैसे हमारे bone of skulls. It means we can say that all the bones of our skull are hemopoietic in nature. यानी हमारे skull की सारी bone क्या हैं? Hemopoietic हैं. क्यों? क्योंकि all the spongy bones are hemopoietic in nature. That is it. And on the basis of origin, bones are mainly of three types: cartilaginous bones, second membranous bones, third sesamoid bones. अब एक टर्म आता है जो आपने पढ़ा था एविज में, न्यूमेटिक bones. The bones of birds have air filled cavities. Birds की bone के अंदर air से filled cavities हैं. Such bones are called pneumatic bones. इन bones को अपन क्या बोलते हैं? Pneumatic bones कहते हैं. ये क्या करते हैं? इन birds की body को light बना देते हैं, हल्का बना देते हैं, so that they are helps in flying, जिससे कि इनको उड़ने में सहायता मिलती है. तो ये पढ़ा अपने bones के बारे में. Mainly cartilages are non-vascular, but bones are vascular, and they are hard due to deposition of inorganic salts. About 68% part of bone have inorganic salts, and about 32% part have organic salts. Inorganic salts में mainly कौन सा होगा? Calcium phosphate is most abundant, and calcium carbonate is also present. So due to presence of these inorganic salts, the bones becomes hard. About 68% inorganic salts. और सबसे अबंडेंट कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट एंड 32% ऑफ ऑर्गेनिक साल्ट्स. ठीक है, तो द बोन्स दे आर फॉर्म अवर एंडोस्केलेटन एंड दे आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन. तो ये अपने पढ़ा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट, जिसमें कौन सा? बोन्स. अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा पार्ट है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में इंक्लूड करेंगे अपन लिम्फ एंड ब्लड. दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर सर्कुलेटरी सिस्टम, सो दैट द ब्लड एंड लिम्फ, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में. नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे मस्कुलर टिश्यू. यानी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट हो गए. पहले पार्ट में स्केलेटन, जिसमें अपन ने पढ़ा कार्टिलेज और बोन्स. सेकेंड पार्ट है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में लिम्फ और ब्लड को पढ़ाया जाता है, जो अपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे. नेक्स्ट.